भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रवक्ता के एस चौहान ने नगरीय निकाय मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया द्वारा शनिवार को दिए गए बयान की राज्य सरकार सभी वर्गों के लिए विकास के काम कर रही है, हमारी सरकार ने जो 36 वादे किए थे उसमें से 35 वादों को पूरा किया गया है, सभी वर्गों को ध्यान में रखकर मूलभूत सुविधाओं को पूरा किया जा रहा है, पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मंत्री श्री डहरिया ने उन जगहों का लोकार्पण किया है जो अभी तक पूर्ण बनी ही नहीं है और अगर बनी भी है तो उसका पहले की यूज हो चुका है। श्री चौहान ने कहा कि कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री सहित मंत्रीगणों द्वारा अपनी राजनीति चमकाने और राजनीतिक श्रेय लेने के लिए यह सब किया जा रहा है। अभी हमारे मंत्री जी शिव कुमार डहरिया जी आए थे और उन्होंने लगभग 2,60,00,000 का लोकार्पण किया, उन जगहों का लोकार्पण किया जो अभी तक पूर्णतः बनी नहीं है और अगर बनी भी है तो वो उनका पहले ही यूज हो चुका है। दूसरा, कुछ दिन पहले अभी मुख्यमंत्री जी भी वर्चुअल में लोकार्पण करते हैं, उन भवनों का लोकार्पण करते हैं जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और कई चैनल्स उसको दिखा भी चुके हैं कि अंडर कंस्ट्रक्शन है जो कि, और ठगड़ा बांध का आप लोकार्पण करते हैं जिसका कोई अता पता ही नहीं है, अचानक सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपना राजनीतिक श्रेय लेने के लिए। लेकिन जनता सब जानती है कि आपने कितना काम किया है पिछले 5 सालों में और कितना नहीं किया है। पिछले 5 साल को जो आपने वादा किया वही आपने नहीं निभाया है और पिछले 2-3 साल पहले जो जिले आपने बनाए हैं उसमें ही कोई फंड नहीं दिया है आपने, तो आपके वादों का, आपके लोकार्पण का उतना कोई औचित्य नहीं है। ऐसा कोई भी आपने पूरे छत्तीसगढ़ में 100 करोड़ का ऐसा कोई भी काम नहीं किया है जिसका आपने शिलान्यास किया हो और जिसका फीता काटा हो। कुछ शिलान्यास हुए हैं तो वो आधे अधूरे हैं, तो माइंड में है, कुछ काम चालू ही नहीं हुए हैं और कुछ चालू होके खत्म हो चुके हैं, तो वो चालू हुए थे, अधिकतर काम चालू हुए थे वो रमन सरकार जी की कार्यकाल में चालू हुए थे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में चालू हुए थे। आप बोलते हैं कि 36 में से हमने 35 वादे पूरे कर दिए हैं, जबकि आपके मुख्यमंत्री जी खुद बोलते हैं कि 12 वादों को हमने अभी तक छुआ नहीं है और 12 वादों में काम चल रहा है। शिव कुमार डहरिया जी, जो आप एक वादे का पूर्ण है कि हमने नहीं किया है, मैं आपको गिनवाता हूं कि आपने कितने वादे पूरे नहीं किए हैं। पहला, आपने शराबबंदी नहीं की। दूसरा, आपने अनियमित कर्मचारियों को नियमित नहीं किया। तीसरा, आपने DAHRA जो केंद्र के समकक्ष आपने बोला था कि हम कर देंगे वो आपने नहीं किया है। चौथा, आपने 200 फूड पार्क नहीं बनाया है। पांचवा, आपने 1500 वृद्धा पेंशन जो है वो नहीं की है। छठवा, आपने विधवा पेंशन नहीं की है। सातवां, आपने स्व सहायता समूह की रोजगार महिलाओं को जो आपने कर्जा माफी की बात कही थी वो आपने नहीं की है। आठवां आपने जो किसानों को पूरा कर्जा माफ करने के लिए बोला था उसमें सिर्फ अल्पकालीन कर्जा माफ किया है। नौवां, आपने बिजली बिल हाफ करने के लिए बोला था, आपने 400 यूनिट पर रोक दिया। दसवां, आपने संपत्ति कर में आपने बोला था कि आधा कर देंगे, उसमें भी यूजर चार्जेस लगा दिया है। ग्यारहवां, आपने 10 लाख बेरोजगारी 10 लाख युवाओं को बेरोजगारी भत्ता के लिए बोला था, जो कि 4.5 साल के बाद आपने 1,16,473 लोगों को सिर्फ आपने बेरोजगारी भत्ता दिया है। आपने बहुत सारी ऐसी चीजें, 11 तो मैंने गिना चुकी है, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपने पूर्ण नहीं की है, तो आप झूठ बोलना और श्रेय की राजनीति मेरा बंद करें।